हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नानी के गार्डन में। देखिए दोस्तों, मैंने ना कुछ गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी डिस्पोजल ग्लास में। देखिए, एक कटिंग मैंने इस वाले ग्लास में लगा रखी है और ये मेरी कटिंग लग के तैयार हो गई है, और दूसरी कटिंग जो है मैंने इस डिस्पोजल ग्लास में लगा रखी है और ये कटिंग भी मेरी लग के तैयार हो गई है, और एक कटिंग जो है इस मैंने छोटे से पॉट में लगा रखी है, और अब इन कटिंग को जो है मैं दूसरे बड़े पॉट में लगाऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने गार्डन सोइल ली है, और ये कोकोपेट, और ये वर्मी कंपोस्ट, और ये मैंने थोड़ी सी जो है नीम की खली ली है, और इस सारे इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं पॉट में डालूँगी। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए, सारे जो मैंने लिया था इस अच्छी तरह से इसको मिला लिया है, और ये देखिए, ये मैंने एक प्लास्टिक का पॉट लिया है, और इसमें जो ना एक छोटा सा मैंने होल किया है इधर से। देखिए, इसमें अभी सारी मिट्टी हम डालेंगे। देखिए, जो ये मैंने होल किया है ना, इसके इधर जो है ना मैं पत्थर लगा लूँगी कि जैसे हम पानी डालें इस गमले में तो पानी सारा बाहर आ जाए और मिट्टी हमारी गमले के अंदर ही रहे। तो ये देखिए, मैंने पत्थर लगा दिया है और अब ये मिट्टी जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए, मैंने इस वाले गमले में मिट्टी डाल दी है और इसमें भी डाल दी है, और ये देखिए, जो ये मेरी कटिंग है इसको डिस्पोजल गिलास से मैं बाहर निकालती हूँ। देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम इस कटिंग को बाहर निकालेंगे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कटिंग को ये बाहर निकाल लिया है, और अभी मैं आपको इसके रूट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें अच्छी तरह से रूट्स बनने शुरू हो रखी हैं और काफ़ी लंबी लंबी रूट्स इसमें आई हुई हैं, और अब इसमें मैं पॉट इसमें गमले में मैं ये लगा दूंगी अपनी गुलदाउदी की कटिंग। देखिए, मेरी एक कटिंग इसमें मैंने लगा दी है अपनी गुलदाउदी की, अब इस वाले पॉट में मैं लगाऊंगी दूसरे वाली कटिंग जो मैंने डिस्पोजल में लगा रखी है। इसको भी देखिए, हम इसी तरह से बाहर निकालेंगे डिस्पोजल ग्लास से। और ये देखिए, मैंने अपनी ये दूसरे वाली गुलदाउदी इस वाले पॉट में लगा दी है, तो दोनों मेरी गुलदाउदी लग के तैयार हो गई हैं, और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, और इनको जो है ना हम एक दो दिन के लिए छाया में ही रखेंगे, और अभी जो है ना वैसे ही बरसात का मौसम है। और देखिए, दोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है। और दोस्तों, आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।